Yes, page number 147. The crisis of the 14th century. Up now comes the 14th century. 14वीं शताब्दी आती है. उसमें एक संकट पैदा होता है. एक upheaval and disorder and chaos क्रिएट होता है. With some factors, with some reasons. By the early 14th century or 14th century के starting में Europe's economy expansion जो यूरोप की जो economic जो विस्तार था, जो बढ़ोतरी थी, एक्सपेंशन था, वो स्लो हो गया, स्लो डाउन हो गया. इसके तीन फैक्टर्स थे. नंबर वन, नॉर्थ यूरोप में 14th सेंचुरी के एंड में द वार समर 14th सेंचुरी के एंड में जो अब तक प्रीवियस 300 ईयर से जो एक नाइस क्लाइमेट, फेवरेबल क्लाइमेट जो वहाँ पर प्रीवियस था, वो अब विंटर में, एक्सट्रीम विंटर में, कोल्ड में चेंज हो गया. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. बिटरली कोल्ड समर में, ये समर था. सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और फसलों को उगाने का जो सीजन था वो यही गर्मी का मौसम, यही फेवरेबल मौसम हुआ करता था. लेकिन अब तेज सर्दी होने से दिन शॉर्ट हो गए, छोटे हो गए, और सीवियर कोल्ड के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. और रिड्यूस्ड बाय ए मंथ, और एक महीने का डिफरेंस आ गया सर्दी आने से 14th सेंचुरी के एंड के अंदर. एंड बिकेम डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप इन हायर ग्राउंड, और हायर ग्राउंड पर क्रॉप को बोना, उसे ग्रो करना मुश्किल हो गया. तूफान आने लगे, ओशनिक फ्लडिंग, सुनामी आने लगे, तूफान आने लगे समुद्री. इसने फार्म स्ट्रीट को बर्बाद कर दिया, यानी जो खेती की ज़मीन थी उसको ख़त्म कर दिया. ऊपर की मिट्टी, जो अपर सॉइल थी, जो फर्टाइल सॉइल थी, वो रिमूव कर दी गई, वो ख़त्म हो गई है ना. विच रिजल्टेड टू लेस इनकम टैक्सेस फॉर द गवर्नमेंट, जिससे किसान जो पीजेंट था वो इफेक्ट हुआ, और वो इफेक्ट हुआ था वो टैक्स गवर्नमेंट में जमा नहीं करा सका. गवर्नमेंट ने जब टैक्स जमा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट भी डिक्लाइन होने लगी. उसके बाद ही पैसे की पॉसिटी होगी, शॉर्टेज होगी. तो अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाई फेवरेबल क्लाइमेट, वो शानदार फेवरेबल क्लाइमेट से जो अवसर मिले थे यूरोप को, वो अब पहले से डिटोरिएट हो गए, पहले से ख़राब हो गए. कंडीशन बिफोर द 13th सेंचुरी से पहले काफ़ी अच्छा खुशहाल, प्रॉस्परस एंड प्रोग्रेसिव यूरोप हो चुका था. अब ये अफेक्टेड हो गया. 13th सेंचुरी हैड लेड टू अ लार्ज स्केल रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड पास्चर. अब जितने भी पास्चर थे, जितने भी खेती की जो ज़मीन थी, वो सब खाली हो गई. लोग परेशान हो गए, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है ना. पास्चर्स फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए ज़मीन नहीं रही, ख़राब हो गई मौसम के आने से. ठीक है, बट इंटेंसिव प्लाविंग हैड एग्जॉस्टेड द सॉइल डिस्पाइट द प्रैक्टिस ऑफ द 3-फील्ड रोटेशन ऑफ द क्रॉप. इससे पहले आपने सुना था कि 2-फील्ड जो रोटेशन था वो 3 फील्ड्स में न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया था, जिससे काफ़ी अच्छी यील्ड प्राप्त हो रही थी, प्रोड्यूस प्राप्त हो रहा था, और खुशहाली बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी. डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के थे वो भी इंक्रीज हो रहे थे, और इन सेंचुरीज में का. लेकिन अब नाउ जो पोजीशन थी वो एक संकट से गुजर, जैसे आज का दौर संकट से निकल रहा है, क्राइसिस से निकल रहा है, कोरोना, बिकॉज ऑफ कोरोना, ड्यू टू कोरोना. ये टाइम भी इसी तरह से, और एक प्रॉब्लम तो पहला फैक्टर है ज़मीन जो अफेक्ट हुई, दैट इज फॉरेस्ट एंड पास्चर्स, बट इंटेंसिव. लेकिन थ्री फील्ड रोटेशन में क्या हुआ, जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी थी है ना, वो इफेक्ट हो गई है ना, वो सब एग्जॉस्टेड द सॉइल डिस्पाइट द प्रैक्टिस ऑफ द थ्री फील्ड रोटेशन के बावजूद भी मिट्टी का जो फर्टिलिटी थी वो एग्जॉस्ट खत्म हो गई, समाप्त हो गई. बिकॉज क्योंकि क्लियरेंस वॉज नॉट एकम्पनीड बाई प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन है ना. क्योंकि इस बीच में क्या है कि ढंग से प्रॉपर रूप से जो मिट्टी को संभाला जाता है, सॉइल को देखा जाता है, वो ढंग से प्रॉपर क्लियरिंग नहीं हो पाई, वो नहीं प्रैक्टिस हो कंजर्वेशन. द शॉर्टेज ऑफ पास्चरेज रिड्यूस द नंबर ऑफ इट है ना. उधर तो जो पीजेंट्स थे वो हाथ पे हाथ करके बैठ गए. ठीक है, इधर जब मवेशी थे, जिसे दूध जो डेयरी प्रोडक्ट जो कॉमन था, प्रीवियल था वहाँ पर, वो भी अफेक्टेड हो गया. क्योंकि
इनके लिए चारा, इनके लिए ज़मीनें, वो चीज़ें अब नहीं थी, शॉर्टेज ऑफ पास्चरेज, चारागाहों की कमी हो गई, जिससे कैटल, नंबर ऑफ कैटल इफेक्ट हुए, पॉपुलेशन ग्रोथ वाज आउटस्ट्रिपिंग रिसोर्सेज एंड द इमीडिएट रिजल्ट वाज फेमिन। पॉपुलेशन अपनी जगह थी, वो बढ़ रही थी, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ फेमिन आने लगे, अकाल पड़ने लगे, पड़ना शुरू हो गए, और डिफरेंट डेट्स में, डिफरेंट सेंचुरीज में, अलग अलग सेवन कितने गिना सीवित, बहुत ही कठोर फेमिन ने यूरोप को हिट किया। कब? 1315 में और 1317 में, इन दो तीन सालों में यूरोप में ज़बरदस्त एक बहुत ही ट्रिमेंडस फेमिन आया फॉलो, और उसके बाद 1320s में बाई मैसिव कैटर डेट्स को, और उसके बाद फिर 1320 के बाद 1320 के दशक में कैटिल मवेशी मरने लगे, जब चारा नहीं हुआ, फोडर नहीं हुआ, तो मवेशी मरने लगे, लाखों मवेशी खत्म हो गए। पेज नंबर 47 ही चल रहा है, और इसके बाद इसके अलावा ट्रेड वाज हिट बाय अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ द मेटल। अच्छा, व्यापार भी ज़बरदस्त हिट हुआ, प्रभावित हुआ यूरोप, यूरोप नॉर्थ यूरोप, क्यों हुआ, मेटल मनी जो सिल्वर कॉइन थी, जो करेंसी था सिल्वर कॉइन, यानी सिल्वर की शॉर्टेज हो गई, सिल्वर की शॉर्टेज होती क्या हुआ, सिल्वर के अंदर अब मिलावट की जाने लगी, उसमें दूसरा मेटल मिक्स करके उसको बनाया जाने लगा, उसका जो सिल्वर कॉन्टेंट था बनाया जाने लगा शॉर्टेज करेंसी। इसके बाद तबस बात यह, अब एक और मुसीबत जो आने वाली थी वो सबसे खतरनाक थी, एस्ट्रीट वाज, क्योंकि ट्रेड जो था वो 13वीं सेंचुरी में बहुत फैला, बहुत विस्तृत हुआ, यानी शिप, वो जहाज जो सामान ले जाया करते थे, लाते थे, कार्गो शिप होते थे, डिस्टेंट कंट्रीज से आते थे लेकर, स्टार्टेड अराइविंग, अब वो सारे जहाज के यूरोप जो पोस्ट है, जो यूरोपियन पोस्ट है, वहाँ पर आके हार्बर होने लगे, रुकने लगे, पैलिंग विद द शिप, इन जहाज़ों के अंदर जो सामान आता था उनके साथ चूहे आने लगे, ठीक है, समझ रहे हैं, रेड्स आने लगे, कैरिंग द डेडली बीपोनिक प्लेग, जब चूहा आया और यूरोप में इतना चूहा हो गया इस पीरियड में कि प्लेग नाम की बीमारी फैल गई, जैसे आज क्या फैला हुआ है कोरोना वर्ल्ड के अंदर, या यूरोप के अंदर प्लेग बीमारी फैल गई। प्लेग में क्या होता है, हर तरह का इंसान, बच्चा बूढ़ा, सबकी मौतें होती हैं, उसमें मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, प्लेग इफेक्टेड था, इसको कहा गया था ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ कहा गया इस प्लेग को वेस्टर्न यूरोप, तो वेस्टर्न यूरोप रिलेटिवली आइसोलेटेड कैरियर इन अर्लियर सेंचुरीज वाज हिट बाय द एपिडेमिक बिटवीन 1347 में, यहाँ पर ये ब्लैक डेथ स्टार्ट हुआ चूहों के जरिए, और 1350 के अंदर द मॉडर्न एस्टिमेट ऑफ द मॉर्टेलिटी इन दिस एपिडेमिक इज द 20%, टोटल पॉपुलेशन का 20% आज के हिसाब से देखा जाए तो, मेरा मॉडर्न जो एक एसेस किया है ना, तो कितना हुआ, 20% लोग क्या हुआ, वो उनकी डेथ हो गई, धीरे धीरे ये लोग मर गए, मॉर्टेलिटी जो एपिडेमिक 20% ऑफ द पीपल ऑफ द होल ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप की 20% जो पॉपुलेशन थी वो डाइड हो गई। विद सब प्लेसेज, कुछ स्थानों को अगर हम देखें लोसिंग कुछ स्थानों पर तो 40% लोग मारे गए अब पॉपुलेशन में, कहीं कहीं तो जैसे हम देखते हैं आज कोरोना में दुनिया में अमरीका में सबसे ज़्यादा मारे गए, ऐसे ही वहाँ पर भी ये वेरिएशन, उस टाइम भी वेरिएशन रहा। पेज नंबर 148 इसमें देखें एस्ट्रेट सेंटर्स, अब जो ट्रेड जो व्यापारिक केंद्र थे, सेंटर थे, सिटीज वर द हार्डेस्ट, जो सिटी थे सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुए, यानी क्लोज कम्युनिटीज लाइक मोनास्ट्रीज एंड कॉन्वेंट्स, कॉन्वेंट और मोनास्ट्रीज, इसके अंदर जो लोग रहा करते थे, जो भगवान की इबादत में मशगूल रहते थे, वो इफेक्टेड हो गए, और उनको एक एक दूसरे के टच में आकर, संपर्क में आकर, व्हेन वन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टेड द प्लेग, जब एक को प्लेग होता था तो दूसरे को भी लग जाया करता था, वो इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर एवरीवन डिड, है ना, एक को लगने का मतलब होता था कि अब ज़्यादा देर नहीं होती थी दूसरे को लगने में, इस तरह से काफ़ी लोग वहाँ पर भी मारे गए, वहाँ मोनास्ट्रीज में, मठों में भी, कॉन्वेंट्स में भी, और जहाँ लोग इबादत करते थे, एंड इन ऑलमोस्ट एवरी केस
नन सर्वाइव, कोई भी नहीं बचा, जो भी यहाँ पर अंदर इबादत करते थे वो सब एक दूसरे के डस्ट में आकर प्लेग से मारे गए। ये क्राइसिस, ये संकट यूरोप देख रहा है, द प्लेग टू इट्स वर्स्ट, वर्स्ट वर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा मरने वाला यूरोप में है। नहीं कब वो एमन इन्फेंट, उनमें बच्चे थे सबसे ज़्यादा, जिनमें जो टॉल था वो किसका था, बच्चों का था, नौजवानों का था, और नौजवान से जो बड़े होते हैं 40-45 साल के, मतलब बच्चे सभी तरह के लोग से मारे गए थे। देर वर अदर रिलेटिवली माइनर एपिसोड्स ऑफ द प्लेग इन द, कुछ और देखे गए 1360s के अंदर भी प्लेग के केसेस देखे गए, 1370s में भी देखे गए। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, यूरोप की जो पॉपुलेशन थी 73 मिलियन इन पीरियड, मतलब 1300 ईयर में, 1300 सेंचुरी है उसके अंदर 73 मिलियन की पॉपुलेशन थी, इसको वो कितनी रह गई 45 मिलियन इन 1400 के अंदर, ये 45 मिलियन रह गई, इतना लोग मर गए, इतना बच्चा मरा। लास्ट पैरा है इसका, दिस कैटेस्ट्रॉफ, ये भयावह ये बहुत ही खतरनाक कैटेस्ट्रॉफ जो मंजर था, वहाँ का दृश्य था, कंबाइंड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब इतनी जबरदस्त, इतना जबरदस्त क्राइसिस और क्राइसिस आते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसे का संकट, जैसे कि आज है, कॉज इमेन सोशल डिसलोकेशन, इस इन चीज़ों में सोशल डिसलोकेशन, समाज इधर से उधर रह गया, समाज इधर से बट के रह गया, लोग चले गए यहाँ से, छोड़ छोड़ के कहीं और माइग्रेट कर गए, ये कहना चाहते हैं डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब होता है जगह छोड़ के कहीं और चले जाना, और डिपॉपुलेशन, पॉपुलेशन जब चले गए लोग तो पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, डिलोकेशन डिपॉपुलेशन रिजल्टेड इन अ मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर, जब पॉपुलेशन चले गए तो नॉर्थ यूरोप में क्या आ गया, उत्तर यूरोप में लेबर की शॉर्टेज है, अब काम कौन करे, सारे काम कर दो उनको करने वालों में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, सीरियस इम्बैलेंस, जबरदस्त इम्बैलेंस, असंतुलन देखा गया, इम्बैलेंसेज वर क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर, कृषि के क्षेत्र में कृषि और मैन्युफैक्चर, कृषि एक रॉ मटेरियल, एक कच्चा माल होता है जो यहाँ से फैक्ट्री में जाकर उसको तैयार किया जाता है, दोनों में एक ज़बरदस्त, एक सीरियस, एक बहुत ही सीवियर इम्बैलेंस देखा गया, ये सब इफेक्ट हो रहा है, ये संकट में आ गया ज़बरदस्त, बिकॉज देर वॉज नॉट एनफ, क्योंकि इतने लोग नहीं थे जो इनके लिए काम करते टू एंगेज इन बहुत इक्वल के बराबर से, फैक्ट्री के अंदर भी, फैक्ट्री में भी काम करते और कृषि में भी काम, इतने लोग नहीं थे, मर चुके थे, ये प्रॉब्लम। प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर, जो कीमतें थी वो बढ़ चुकी थी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी थी, सॉरी जो एग्रीकल्चर जो गुड्स था उसकी जो प्राइसेस थी वो डाउन हो गई, डाउन क्यों हुई, क्योंकि खरीदने वाला कोई था नहीं, पॉपुलेशन कम हो गई, लोग माइग्रेट कर गए, डिस्लॉज हो गए, तो कीमतें माल ज़्यादा हो गया, खरीदने वाले कम हो गए, फ्यूअर पीपल टू बाय, वेज रेट, उधर जो वेजेस थी, जो मजदूरी थी वो बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि लेबर की डिमांड बढ़ गई, लेबर की डिमांड बढ़ी तो मजदूरी डबल हो गई, लोगों ने डबल कर दी, इसका प्रभाव देर वर फ्यूअर पीपल टू बाय, बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, खासतौर से खेतों में काम करने वाला जो लेबर था उसकी बहुत शॉर्टेज आ गई। रोज इन इंग्लैंड, या इंग्लैंड में ये चीज़ खड़ी हुई उठी बाई एज मच एज 20-50% इन द आफ्टरमाथ ऑफ द ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ के अंदर इतने मतलब कितने एज मच एज 250%, ये परसेंट बता रहा है, लोग मारे गए थे और ये कंडीशन हो गई थी इंग्लैंड में, ब्लैक डेथ मतलब चूहों से ब्लैक जो कहता था उससे, सर्वाइविंग लेबर फोर्स, सर्वाइविंग लेबर जो अब जो जिंदा मतलब बचा हुआ जो लेबर फोर्स था, यानी कुड नाउ डिमांड ट्वाइस देयर अर्लियर वेजेस, अपनी पिछली मजदूरी से दुगनी मजदूरी वसूल कर रहा था या कर सकता था। ओके, थैंक यू सो मच।